अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को ईद उल अज़हा मुबारक। तो आज का वी लॉग स्टार्ट करते हैं ईद फर्स्ट डे। तो ये है जी सुबह सुबह का टाइम। इस वक्त सुबह के 5 बजे हैं, तो अभी चलते हैं, तैयारी शैयारी हो गई है, तो नमाज़ के लिए अभी जाते हैं। ये देखें जी, गलियों में बिल्कुल सन्नाटा है, सुबह सुबह का टाइम है। तो ये अबू जी भी चले गए हैं, तो हम भी अभी नमाज़ के लिए मस्जिद में जा रहे हैं, क्योंकि मस्जिद में ज़रा नमाज जल्दी होती है। तो ईदगाह में तकरीबन आधे घंटे का फ़र्क था, तो हमारा कसाई है उसने भी सुबह सुबह आना था, तो इसलिए हमने सोचा कि मस्जिद में इस बार नमाज़ पढ़ते हैं। ये आ गए हैं जी मेरे छोटे भाई रमील साहब, ये देखे जी, जो कि हमेशा की तरह लेट होते हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। रमील भी जा रहा है, ये देखे जी मुस्कुरा रहा है सुबह सुबह। और अबू जी को ज़्यादा जल्दी है, तो वो भी आगे आगे जा रहे हैं। तो ये आ गई है जी माशाल्लाह से मस्जिद, जहाँ पे हम ईद की नमाज़ अदा करेंगे। अभी इधर वीडियो तो बंद कर दूंगा, क्योंकि फिर मस्जिद में तो अच्छी बात नहीं कि हम वीडियो बनाएं, बाहर भी वैसे अच्छी बात नहीं। तो अभी हम मस्जिद गेट में आ गए हैं, आपसे मिलते हैं अभी नमाज के बाद। तो ये माशाल्लाह से ईद की नमाज़ पढ़ी है, सब लोग आपस में ईद उज़्ज़ा मुबारक बोल रहे हैं। अभी हम भी चलते हैं घर की तरफ, कसाई भी इंतज़ार कर रहे हैं। ये अभी है साथ चाचू भी हैं, छोटा भाई है, जा रहे हैं जी अभी घर की तरफ। ये देखें जी, ये कसाई तो सुबह सुबह पहुँचे हुए हैं, सबसे पहला नंबर है, तो ये हमसे भी पहले पहुँच गए हैं। ये बैल भी इधर बांधा हुआ है। पानी नहीं पी रहा, পশুর টাকায় যদি পশুকে না হয়, শুধু পশু জবাই হয় কুরবানি নাহি হয়। শুধু ঘুষের টাকায় যদি পশুকে না হয়, শুধু পশু জবাই হয় কুরবানি নাহি হয়। এমন যারা করে তারা নিজেকে ঠকায় মনে করে। तो ये बैल गिर गया जी अभी, इसके बाद अभी सुन्नत इब्राहिमी पूरी होगी। अभी इसके मुंह को क़िबला रुख करके फिर इसको ज़बह कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, कुर्बानी वाला अमल तो मुकम्मल हो गया है, तो अभी इसके बाद ये खाल वगैरह उतारेंगे, तो हम भी कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, फिर उसके बाद गोश्त वाला काम होगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जी तकरीबन काम ख़त्म हो गया है, अभी बोटियाँ वगैरह उसकी कर दी हैं इन्होंने, माशाल्लाह से 4-5 लड़के हैं इन्होंने, बहुत जल्दी तकरीबन हमारा 1.5-2 घंटे में ये सारा काम ख़त्म हो गया। तो अभी गोश्त अंदर उठाएंगे, रखेंगे, उसके बाद थोड़ा बांटेंगे, फिर रेस्ट करेंगे, और शाम को फिर इंशाल्लाह इसको खाएँगे। दावत भी है, फिर उसकी वीडियो भी बनाएंगे और इंशाल्लाह इसी वीलॉग में लगा के आपको दिखाएंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जी काम तकरीबन मुकम्मल हो गया सारा। तो अभी ये रात का वक्त है, और ये है जी दुम्बे का गोश्त, इसका अभी बारबेक्यू बनाएंगे।
ये काम स्टार्ट है जी। ये भाई साहब बना रहे हैं, तो ये दुम्बे वाले गोश्त का बारबेक्यू ये तो तैयार हो गया है। ये देखिए जी माशाल्लाह से, अभी दूसरी तरफ चलते हैं जी, जहाँ पे दुम्बे के गोश्त की कढ़ाई तैयार हो रही है। ये जिसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, तो ये साथ साथ भाईजान इसको तैयार करेंगे। तो दूसरी तरफ जो बारबेक्यू लगाने वाले हैं वो अभी इसको नमक लगा रहे हैं, जो थोड़ा गोश्त रह गया अभी इसका भी बारबेक्यू करेंगे। और ये जी दूसरी तरफ अभी जो बैल का गोश्त है उसके बारबेक्यू की तैयारी हो रही है। साथ में ये सीख कबाब के लिए भी तैयारी हो रही है। ये सारे अपने कज़न हैं, सारे माशाल्लाह इत्तफाक और बरकत से माशाल्लाह से सारे अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं इत्तफाक के साथ। यही ईद का मौका है, सारे इकट्ठे हो जाते हैं। ये बारबेक्यू के लिए भी ये लगा रहे हैं, इन सरियों के साथ गोश्त लगाना यही बहुत मुश्किल काम है। तो ये घर के बाहर का खूबसूरत माहौल, ये जी अभी ये बारबेक्यू भी स्टार्ट हो गया है। तो ये था जी आज का व्लॉग, अभी हम खाना खाएंगे और ये आज का ईद का दिन तो ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।